नमस्कार दोस्तों, मैं इस बैलेंस सर और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आज सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खासकर उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर अपहरण के मुकदमे में वंचित चल रहे हैं एक ने फिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सहरनी का अर्ध थाना रुपए ने जनपद बहराइच थाना स्थानीय पर पंजीकृत 378/1366 भेदभाव में नाम कमलेश कुमार वर्मा पुत्र अश्वित तीरथ राम निवासी बस्ती गांव कैलाशपुर जुम्मन गांव थाना रुपए जनपद बहराइच से जो कि मुकदमे के उपरांत में वंचित चल रहे थे गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पर गठित टीम द्वारा आज दिनांक 22/10/2019 को उप निरीक्षक श्री जगन्नाथ यादव आरक्षी श्री राम आशीष चौरसिया द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर अभियुक्त प्रांत को रेलवे स्टेशन 13 कस्बे रुपए से समय करीब 13:55 बजे हिरासत में लिया गया तथा उपयोग उपरांत में अभियुक्त ने न्यायालय में अमृतसर में माननीय न्यायालय सदर रवाना किया गया। बहराइच से इसमें अंसारी की रिपोर्ट। खासकर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है बिना कस्टम शुल्क दिए हुए 6 गत्ते में 250 पीस जूते 3 बोरे में 1 क्विंटल 62 किलोग्राम प्याज व 3 अदर साइकिल लवर्स बरामद अर्धस्थाना रुपए जनपद बहराइच। रोकथाम जुर्माना जयराम भारत नेपाल बिना कस्टम कराए हुए मालों को बरामदगी के क्रम में आज दिनांक 22/10/2019 को अशोक कुमार यादव आशु दुबे विनय त्रिवेदी रंजीत सिंह यादव द्वारा बिना कस्टम शुल्क कस्टम 6 गत्ते में 250 पीस जूते 3 बोरे में 1 क्विंटल 62 किलोग्राम प्याज व 3 अदर साइकिल लावारिस हालत में निविया मंदिर के पास कच्ची पगडंडी रास्ते के पास बरामद कर आवश्यक कार्रवाई हेतु कस्टम विभाग के सपुर्द किया गया। बहराइच से इस्माइल अंसारी की रिपोर्ट। खासकर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है एसएमआई पर अवैध असूली के आरोप में कुड़दार ने किया हंगामा। बस्ती जिले के भ्रष्टाचार को लेकर बहादुरपुर विकासखंड के कुड़दार द्वारा प्रदर्शन का सौंपा ज्ञापन। भ्रष्टाचार में एसएमआई कविता चौधरी के खिलाफ खोला मोर्चा। जिले के अधिकारी मामले को संगीन में नहीं ले रहे। दीपावली के समय गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा समस्याओं को लेकर लगाया एसएमआई पर अवैध असूली का आरोप। कुड़दार ने किया हंगामा। एसएमआई पर अवैध असूली के आरोप में कुड़दार ने किया हंगामा। पूरे मामले में कविता चौधरी के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है जिस पर संपर्क नहीं हो पाया। कुड़दार के उत्पीड़न कर रहे हैं। यह आई कविता चौधरी भ्रष्टाचार को चुके हैं। कोटदार बार बार शिकायत करने पर भी जिला प्रशासन नहीं कर रहे कार्रवाई जिससे दीपावली पर गरीबों को राशन नहीं मिल पाएगा। बस्ती से अनु शुक्ला की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।